वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और यू आर वॉचिंग देसी तड़का कुकिंग कॉम्पिटिशन सीजन वन। और अब है मेन सेगमेंट और इसे हम करते हैं जजमेंट ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद है फरजाना शाकिर हमारे साथ है। ओवर टू मिस शेफ फरा जज। अच्छा जी, मुझे बताएं फरजाना आपने क्या बनाया है? मैंने मटन अकबरी बनाई है, उसमें मुगलई डिश है। ये मुगलई डिश है जी। अच्छा, मटन का कौन सा आपने इस्तेमाल किया है? मिक्स किया है। ठीक है, और इसके साथ क्या बनाया है आपने? ये मैंने मखाने कीमा। कीमा किसका है, बीफ या मटन या चिकन? दो डिशेस हो गई इसका मतलब। जी जी, नहीं ये मैंने एक अमरूद की चटनी, गावा चटनी, अमरूद की चटनी डाल दो पर आप जी जी प्लेट में डाल जी। थैंक यू, ये चेक कर देख लो इनकी चटनी भी। फरजाना शाकिर सोचों में पड़ गई अभी वो खा के। जो फैसला कुदरत का और जजों का जी। ओके चलें जी। अच्छा, नो कमेंट्स आज। ओके, आज हम आपको आपको हमने पूछेंगे आपने कैसे बनाया, क्योंकि आप उसमें हो के आई हैं, यानी कि आप 16-17 से अब फाइनल नॉमिनेट हो गए हैं। रिजल्ट्स में पता चलेगा। ठीक है, चलिए उनको दो दो मेरी प्यारी बहन। व्हाट्स योर गुड नेम? अफशा मंसूर हमारे साथ हैं, सेकंड कंटेस्टेंट। अफशा क्या बनाया है? ये चिकन मंदी राइस है। चिकन मंदी राइस। अच्छा जी, मंदी को क्या प्रोसेस किया है बस मुझे ये बता दें। मंदी को मैंने बेक किया है मैरिनेशन करके इसको 12 आवर्स के बाद। बेक किया है जी यार, वो प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी लगती है। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह, अच्छी लगती है। आप भी कमेंट दे दें, मैं नहीं दूंगी, फिर भी नंबर नहीं दूंगी जब मैं कहां नंबर दे रही हूं पर मेरे पास तो ये अलाउ ही नहीं है। ये सॉस कौन सा बनाया है आपने? ये इसकी स्पेशल जो मंदी की चटनी होती है उसके साथ जो सर्व की जाती है वो है टोमेटो और देगी लाल मिर्च जो होती है वो है, और हरा धनिया है, लहसुन है। अच्छा जी, बात करेंगे हम सेकंड, हमारे पास सहर सर आपका नाम याद है, सहर याद है भाई, सहर क्या सही हो जाएगा आप? सॉरी माजरत कैसे एक मिनट छोड़िएगा, इनका माइक छोड़िए, लाइव शो में ये भी होता पाया हूँ छोड़ दे पाँव रख दिया है, पाँव रख दिया इन्होंने, छोड़ो बच्ची छोड़ो, यस इतना मजा डालोगे तो हमारा बिजनेस टीवी की वायरल हो जाता है। इस पार्क को मिच मार्गरेटा। अच्छा, मिंट मार्गरेटा। अब मैं थोड़ा फिजी ड्रिंक अवॉइड करती हूँ, पानी। ये आपका ऐसा है? अरे आपके ऐसे भी नहीं क्या? अरे खानों में मिर्च सही नहीं की डाली थी, बहुत कमजोर है मेरी जान। ओके चलें। अच्छा जी, ग्रिल फिश बनाई है आपने? नहीं, ये बारबेक्यू फिश। बारबेक्यू फिश बनाई। ओके, फिश कौन सी ली आपने? ये मुश्का ली है मैंने। मुश्का ली है। ओके, इनकी भी प्रेजेंटेशन लेकिन नंबर यही नहीं, नंबर यही नहीं, नंबर यही नहीं। अच्छा, हम खड़े हुए सारी कोई दुआएं पढ़ लेते हैं ना, जितनी दुआएं होती हैं सारी पढ़ लेते हैं लिटरली। आई ऑलवेज सेड कि बेटा जितनी भी दुआएं पढ़नी है पढ़ लो, ऐसा ना हो कि ये रिवर्स बैक आ जाए। यार तुमने वो बात याद करवाई है, मैं तो यकीन करे ऐसा सीन होता था कि वो जब एग्जाम हो तो बाबा जी मैं आपके यहाँ पर आके फूल चढ़ाऊं, लिटरली कुछ पता नहीं मासूम थी, हमें नहीं मालूम था ये ऐसा होता है, हमें मेहनत पे फोकस करना चाहिए। मैं सबको देख रही होती हूं, एवरीबॉडी वाज कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, सब सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। ओके ओके डन है, ठीक है सर, माइक रमशा को दे दें। ठीक है जी रमशा, हमारे पास आप इधर आ जाओ सर, कम मेमनी फिश अपनी। सर ये कौन सा जूस है चंदा, ये खुद से बनाया है या कहीं प्रिजर्व? अच्छा आपका है रमशा, सॉरी सॉरी सॉरी। फिश कौन सी ली आपने? सुरमई बोन। इस डिश का नाम क्या है रमशा? मेमनी फिश अपनी। मेमनी फिश अपनी। अपनी, ओके। देखती हूं जहां गीत गाए हवा,
ओके आगे चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। चले जी हमारे पास रमशा काम यार। ओके अच्छा एक एक सिप इसलिए फरा ले रही है जब तक आप मूव करें मैं बताती हूँ नाजिम को ताकि जरा सा वो जो टेस्ट फ्लेवर जो आपके जबान पे लगा है वो जरा सा नीचे आ जाए। रमशा इधर आ जाओ मेरी जान पीछे से सिप। क्या बनाया आपने नाम बताएं? अपना नाम बताएं। आपका नाम ग्रे फिश है। अच्छा जी ये फिश कहाँ से लिया आपने? हीरा फिश है। अच्छा क्या प्रोसेस किया फिश को आपने? मैंने इसमें जल सारे मसाले जो थे मतलब पाउडर यूज किया मैंने सारे से। ठीक है उसके बाद? उसके बाद मैंने इसको ना कोल्ले जलाए इसको ग्रिल में रखा ऑयल वाइल लगा कर इसको ग्रिल किया। अच्छा 20 मिनट तो कोल का स्मोक नहीं दिया आपने इसको? मैंने उसको कोयलों पे ही बनाया था। तो आप नहीं ये कह रही हैं आप क्या कह रही हैं? मैं तो वहाँ कहूँगी पेपर पे कहूँगी। अच्छा मैं समझ गई आज जरा सा बड़ी स्ट्रिक हो गई भाई मैं भी भूल गई हूँ। तो हनी वो माइक उनको दे दो शिजानी आप माइक उनको दे दो और आप फर्क बैक साइड से। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि किसका फ्लेवर। मैं समझ गई आज आप पूरी फुल स्ट्रॉन्ग फुल फॉर्म में है मेरी जान फुल फॉर्म। जी क्या बनाया आपने? ये मैं थाल चिकन बनाई है और खाल चिकन मसाला नान। अच्छा खाल किधर है? थाल इसका स्पाइस का क्या प्रोसेस किया है? इसका मैंने रेड चिली पाउडर और ना घर में जो मसाले होते हैं ना साबुत धनिया साबुत जीरा और रेड साबुत मिर्च उसको पहले सेक के अगर उसमें से कोई मसाला घर पे नहीं होता क्या करें? तो कुछ और डालेंगे मिक्स करेंगे। ओके और ये मसाला नान है। मसाला नान आपने बनाया जी? इसको नहीं 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 मैंने बनाया इसको इसको ये खुद बनाया है जी। नान आपने खुद बेक किया? नहीं बेक नहीं किया इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया मसाला। इसके ऊपर कौन सा मसाला लगा है पुट पर ये कौन सा मुझे इसका दही में स्पून प्लीज मुझे स्पून दे दो। ओके हां 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 अच्छा ऑलरेडी मैं नहीं खाऊंगी पर जी जी ये मसाला आपका है ना आपके लिए किया। थैंक यू। नहीं जब इन्होंने हाथ से खुद बनाया ना तो बाजार से आते तो चीज वो उसको नान बाजार के उसको फिर मसाला लगा। अच्छा मसाला आपने ओके ओके ठीक है। अच्छा जी मैं जब तक हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास ओके हो गया जानी आगे चलते तो मैं जरा सा जहूर साहब से बात। ये क्या है कुछ अजीब सी वो आ रही खुशबू सी। अच्छा मैं कह रही हूँ यार खुदा के लिए स्टूडियो है कुछ सरप्राइज ना हो जाए। जहूर साहब के पास जाते जहूर साहब आपके कफीला में सबसे ज्यादा डिश को कौन सी डिश को लाइक किया जाता है? एक होता है ना कि टेस्ट यार मैंने वैसे जो आपकी जो बकरे की जो कढ़ाई थी ना वो मुझे बहुत मजे की लगी वैसे आपको लोग डिश कौन सी पसंद करते हैं? देखिए हमारे पास 5-6 डिशेस जो है बहुत जबरदस्त है जिसमें भिंडी एंड ऑलिव ऑयल है हमारे पास बहुत क्लास है। हमारे पास तकरीबन रोज 4-5 मन भिंडी आती है जिसमें तकरीबन 6-7 लोग भिंडी काटते हैं और पूरे डिफेंस में हमारे भिंडी एंड ऑलिव ऑयल मशहूर है और पूरे वर्ल्ड में इसमें अमेरिका में भी हमारी भिंडी जाती है। भिंडी हमारी बहुत मशहूर है ये हमारी जो है फेमस है। उसके अलावा मटन उनजाई कबाब है हमारा और स्पाइसी प्रॉन मसाला बहुत अच्छा है और उसके अलावा हमारे पास होल ग्रिल्ड फिश है वो बहुत क्लास है। ये 5-6 डिशें जो हमारी जो है ना जबरदस्त है यानी कि एक स्पेशल ऑर्डर किया जाता है जबरदस्त। अच्छा जी हम चलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास। क्या नाम है आपका? नाहिद। क्या बनाया आपने? रेशमी चिकन बनाई है। रेशमी तो व्हाट्स कॉल्ड रेशमी? रेशमी क्यों कहा आपने इसको? मैंने पहले से काजू और बादाम को मैंने सौते किया फिर इसमें प्याज और साबुत हरी मिर्च लहसुन अदरक ये सब इसके साथ सौते करके इसका पेस्ट बनाया और मैरिनेशन मैरिनेशन की थी मैंने इसमें क्रीम और दही की और इसके बाद इसे टेस्ट कर लिया। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंटेस्टेंट है। अच्छा ये सांप तो नहीं निकलेगा अच्छा जी ओके आगे आजो पीछे बैक साइड से ये उनको दे दो माइक आप पीछे आ जाओ। अच्छा जी शगुफ्ता क्या बनाया आपने? माइक की वायर जरा सा प्लीज इसको छोड़िएगा एक मिनट नाउ जस्ट अ मिनट इट्स ओके। ये किसने अटकाई हुई है किसने ये हनी इसको दे दो ये बहुत वायर है आप ये रखो ठीक है जी। अच्छा जी क्या बनाया आपने?
मैंने बलोची टिक्का कढ़ाई जिसमें रोस्टेड कोरिएंडर सीड, रोस्टेड क्यूमिन सीड, चिली फ्लेक्स एंड फिर इसमें और स्पाइसेस ऐड किए जैसे ड्राई फेनुग्रीक लीफ, कसूरी मेथी, चाट मसाला। प्रोसेस क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैंने पहले चिकन को फ्राई किया, देन उसको फिर फ्राई चिकन एंड चिलीज। चिकन को फ्राई करते हुए बच्चे क्या ऐड किया? नहीं, मैंने सिर्फ चिलीज के साथ, ग्रीन चिलीज के साथ जो है वो फ्राई किया उसको। फिर इसको रिमूव करके, ऑयल थोड़ा सा रिमूव करके, फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई करके फिर चिकन ऐड किया, फिर और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है? ये पोटैटो, ये पोटैटो वेजीज है। ये कढ़ाई मसाला स्पेशल इसके साथ भी मैंने बनाया है। ये एक मेरी मतलब और ये जंगली रायता है जो उसके साथ सर्व होता है, इस पे भी मैंने ये कढ़ाई का स्पाइस जो है ना स्प्रिंकल किया। जंगली रायता ये मशहूर रेस्टोरेंट है ना हाईवे की, नाम रखे जंगली रायता। तो ये नहीं रायता होगा तो कैसा होगा? ये जंगली वैसे पहली बार शगुफ्ता मैं सुन रही हूँ, जंगली रायता। अच्छा, जंगली कढ़ाई भी बड़ी मशहूर है। चर्सी कढ़ाई, चर्सी कढ़ाई बहुत सारी चीजें मशहूर है। अच्छा, जर्सी कढ़ाई जो शुरू सिंपल है बस, चर्सी टिक्का, चर्सी कढ़ाई चले, पता नहीं आपको सर्व होती है। चले जी आगे चलते हैं, हमारी मेरी प्यारी बहन माइक उनको दे दे, इनका नाम है सीमी। अस्सलाम वालेकुम। जी सीमी ने बहुत आसान कर दिया अपने कार्ड बना के, हमें नाम यहीं से देखे। सीमी क्या बनाया आपने? आज मैंने मलाई बोटी और साथ में पूरी बनाई है। ठीक है, खुद बनाई है? ऐसा तो नहीं निकल रहे थे तो चलो यार दो पूरियां तो ले लेते हैं। वो बाहर की अलग होती है और होम मेड पता लग जाएगी। ठीक है, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मलाई बोटी का प्रोसेस बता दें। इसको हमने मैरिनेट किया, दही और मसाले जितने भी थे हमारे, गरम मसाला, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, थोड़ा ग्रीन चिली पीस है भी, और ये सब चीज़ हमने इसको नमक वगैरह सब लगा के मैरिनेट किया। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ड्रिल फिट पैन होता है उसके अंदर हमने इसको सोला। ओके जी, कुछ कहना चाहेंगी वैसे आप? कुछ यार मैं कहना ही चाहूंगी, मुकाबला बहुत सख्त है लेकिन अभी कुछ चीजें हैं लेकिन वो हम फाइनल पे बताएंगे। ओके जी, नाज़िन शेफ फराह जो है वो हमारे साथ है। अच्छा जी, इशारे यूं यूं करें कसम खुदा की मुझे पागल कर देंगे किसी से। चलो 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 कंटिन्यू करो, अभी ब्रेक नहीं लेना। लेट्स सी आगे चलते हैं हम लोग। कंटेस्टेंट जो है करामत, मेरा इनका नाम सही लिया ना मैंने? यस करामत, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अच्छा जी, यस यस यस, क्या बनाया करामत आपने? ओके जी करामत, अच्छा वायर दे दो खुदा के लिए करामत बच्चियों, ये आप उसको माइक दे दो। चॉप्स फ्राई बनाए साथ में ग्रेटेड ककंबर, रायता एंड रोस्टेड। अच्छा जी, ओके। रोस्टेड वो बैंगन भरता, बैंगन भरता, ओके। अच्छा उस दिन भी इन्होंने कुछ ऐसे कुछ बनाया था ना यार, वो वाकई में कुछ नया था ना, वो क्या था बैंगन के क्या थे? अच्छा मीट बॉल्स, इन्होंने बड़े डिफरेंट वो चीज या छोड़ा ही नहीं किसी ने, हमने टेस्टी मैं कर ही नहीं पाई, मुझे ऐसी चीजें यूनिक लगती है। हाँ रेडी बच्चे, मुझे चेक नहीं कर पाई आप। आज की डिश का क्या है? अच्छा बीफ चॉप लिया आपने? बोले मटन तो इतना बड़ा ना करो ना करो मेरी जान ना करो। यस अच्छा जी, फिर सुबह ओके ये वो बीफ है जो बड़ा महंगा है मेरी जान। अभी देखिए कैसा बच्चे ने टेस्ट किया, ये सब भी बड़ा टेस्ट किया, बड़ा तुम्हारी हिम्मत है कसम खुदा की, सारे खाने टेस्ट करते हो और याद भी रहते हैं कि कौन कौन से जो है वो टेस्ट में कैसे आ रहे हैं। यस यही तो ब्यूटी है, कसम बड़ी बात है यार, बड़ी बात, बड़ी बात हो गया जिंदगी में इन सारी चीजों का ना, बस के एक स्पून लेते हैं और बस दिस इज गुड इनफ। वो मैं देख रही हूँ कितने से जो है खाने के बाद आप पता चल जाता है जज कर। अच्छा हनी इन्होंने कबाब भी बनाया, यही देख रही हूं मोरीनागा का, मोरीनागा। यस ओके, कितने लोग यहां जानते हैं मोरीनागा? हेड चॉकलेट को कितने बचे हैं समाज ना कहते हैं इसे, बड़ा सपोर्ट कर रही हूं करामत को। हां शगुफ्ता
मज़े गया। अच्छा गुड है। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना सलमान है। इसमें सिर्फ केचप के अलावा सब चीज़ जो है रोटी और केचप के अलावा सब चीज़ मैंने बनाई। सैलड है जी, और ये पालक आलू की सब्जी है। आलू पालक ये पसंदे हैं, ठीक है। और ये जो है काली दाल है, ये मीठी चटनी है, ये हरी चटनी है, ये अचार भी मैंने बनाया है, गुलाब जामुन है, ये भी बनाया है, ठीक है। अच्छा इंडियन स्टाइल नहीं लग रहा थाली है, कटोरियों में मेंशन करते हैं। एक मिनट तो माइक जरा बढ़िया ऊपर करना, आपकी आवाज बहुत कम गई है, मुझे शिकायत आ गई है फौरन। ठीक है, यस। कहाँ से शुरुआत करें? अभी देखें, आप टेस्ट करें। देखें करामत मिर्चें बहुत थी यार कबाब में, मैंने इतना सारा चखा मगर स्पाइस बहुत। आलू पालक मैंने जाके बहुत, हम लोग 2:30 बजे हम पहुँचे हैं कल, और जब से मैं बस पका रही हूँ और गैस ने भी बहुत परेशान किया। अब क्या करें बड़ा, लेकिन मुझे पहले बताना था, मैं सिलेंडर ही भिजवा देती ना, लेकिन पक गया बस। मैं मुझे क्या पता था मेरी जान। वैसे ये एक है प्रॉब्लम, ये जस्ट फॉर हम जोक कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम है सबके साथ बहुत इशू आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप चेक करेंगे पालक? पालक ओके, आई लाइक वेजिटेबल बहुत पसंद है, यस ओके। यहाँ रख लो नहीं, वो वैसे ही उसे हो रहा है, हाँ ओके। अच्छा जी पानी, नेक्स्ट मुझे लहसुन का खाना पता नहीं क्या, आखिर जाते जाते क्या आप चखे प्लीज मैम, नहीं मैम मैंने कहा लहसुन की चटनी है, ओके अल्लाह रहम करे। अब मुझे पता चले आपकी जो इतनी हेल्दी क्यों है, परा का कसम से हिम्मत है यार। ये चखे गुलाब जामुन भी नहीं यार, आपने बनाए जी? अरे भाई अब रहने दो इसको मीठा प्लीज, अभी ना नॉट काउंटेबल, जस्ट ओनली नमकीन, हम लोग नमकीन डिश है उसका, ठीक है। नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह हम करेंगे देसी तड़का सीजन 2 इंशाल्लाह बेकिंग का, यस ओके। जानी इसके लिए माइंड गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुड़िया आपका नाम? रेहाना सा। रेहाना क्या बनाया आपने? मैंने जो है पैन सर्ट जो है फिश फिले बनाए हैं, उसके साथ मैंने सॉर्टेड वेजिटेबल एंड मैश पोटैटो, और उसके साथ जो है मैंने लेमन बटर क्रीम। एक मिनट बच्चों, आवाज बंद करें, रेहाना बात। लेमन बटर सॉस, ठीक है। फिश कौन सी लिया आपने? फिश मैंने जो है ये सुरमई, आई थिंक। यू थिंक? आई थिंक। अच्छा ये जुमला कहने के बाद इन्होंने कहा आई थिंक, ये गलत है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। सॉस के साथ क्या आप लोग हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं कि सॉस साथ में, चटनी साथ में, पूरी पराठे नान के साथ खाएं, अलग से टेस्ट होता है। वी नो के हाउ टू टेस्ट इट, कि बिकॉज़ हमें जब एक्चुअल प्रोडक्ट देखनी है, उसकी सॉफ्टनेस देखनी है, उसका टेक्सचर देखना है, तो वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक इट द सॉस विद इट, सो हमें उसको अलग से टेस्ट करना पड़ता है। सॉस हम अलग चेक कर रहे होते हैं, लाइक इतने सारे कॉन्डिमेंट्स, अगर मैं इन सारों को मिक्स कर लेती तो मुझे पता ही नहीं लगना था कि कौन सी चटनी क्या चीज़ क्या है। तो आप लोग अपनी जगह, आपका कंसर्न सही होता है, हमारी भी मजबूरी होती है। ओके यस, लेमन बटर सॉस के साथ। चलें जी, नेक्स्ट हम हो गया यस। अच्छा जी, हनी पोटैटो, अभी ये भी है, एक और चीज भी है, ओके मैश पोटैटो, ये बड़ा अच्छा है यार मैश पोटैटो, जिन भी बच्ची ने बनाया था। ओके हनी, आप एक साइड से आ जाओ, माइक उसको दे दो बच्ची, ओके जी। और क्या नाम है आपका? भूल गई, कल भी तो थी मामू की बेटी, मेरे मामू की बेटी। ओके क्या बनाया आपने? और चल रहा है, बुढ़िया एक सेकंड पकड़ो, ये सारा आपका ही चंदा, ये सारा ये भी ये भी ये भी ये भी रियली। अच्छा ये बॉटल क्यों रखी है आपने, ये क्या किया? ये
गया मेरा निशान। ओ मेरा सोना बॉल टूट गया। हाय रब्बा। अनवर भाई को इस बच्ची को बहुत छोटे से कटोरी दे देते। कोई बात नहीं। क्या प्रोसेस किया इसको? इसको मैंने डे नाइट के लिए मसाला लगा के रख दिया था। इसमें दही और सारे घर के मसाले हैं। ठीक है। क्या बनाया है फिश? दिखने में तो अच्छे हैं, खाने में ये बताएं। खाने में तो आप बताएंगे। ये आलू बुखारी की बनाई है। हाँ जी। That's good. And बच्ची की कचौड़ी जो है वो यहाँ से वहाँ तक खाने बहुत अच्छे हैं। ओके। अगर मैंने किसी एक चीज को भी पॉइंट आउट कर दिया ना तो बात हो जाएगी गलत। पर हम यहाँ पे ब्रेक ले लें। लेकिन एक बात मैं फिर सर से पूछूंगी जरूर। सब ये जो चरगा है आप कब बना रहे हैं ये बताइए। लवर चरगा हमारे मेन्यू में बिल्कुल है। पक्का? We have 250 dishes in the menu. जबरदस्त। ये चले जी, आपको वाउचर लेकर आने चाहिए थे ना हमारे बच्चों के लिए, कोई डिस्काउंट वाउचर। ये तो गलत बात है। चले आप प्रॉमिस करें फर्स्ट सेकंड थर्ड को वाउचर देंगे। ठीक है जी, 50% डिस्काउंट। That's good, that's good. तो जाइएगा आप लोग कफीला एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए 50% दे दिए। होता है जबरदस्ती गेस्ट से सब कुछ निकलवा लेना उसको बिठा के लाइव शो में। बाद में सभी तुमने ऐसा कर दी थी ना, फिर मजबूर हो जाते हो। लेट्स सी, इनका प्यार है मोहब्बत है और ये लोग हमारे साथ। थैंक यू मैम अनिला एंड थैंक यू जहूर साहब एंड थैंक यू सो मच। लेकिन आपने तो मेरे साथ अभी तो बहुत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जजमेंट है, ट्रॉफीज हैं, शील्ड है, कैश प्राइज हैं, राउंड है। और यहाँ पर लगेगी छोटी सी ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 के साथ।